डेट ऑफ बर्थ कलेक्शन इन आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जन्म तिथि को अपने आधार कार्ड के अंदर कलेक्शन करवाना चाहते हैं, आपकी अगर जन्म तिथि गलत है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में सही है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से होगा वो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं तारिक अंसारी स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल साइबर एडवाइस में। कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के अंदर घर बैठे ही उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ कलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेनी है। ये है आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके इस होम पेज पर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है होम पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको आ जाना है आधार अपडेट वाले ऑप्शन में, अपडेट आधार वाला ऑप्शन। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का शो होगा, उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा ऑनलाइन, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप ब्लू कलर का जो ये आप ऑप्शन देख रहे हैं प्रोसीड टू अपडेट आधार, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक और नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला है आधार नंबर फिल करने का। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आधार नंबर, तो आपको इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देना है। और ये कैप्चा कोड आप देख सकते हैं, कैप्चा वेरिफिकेशन, तो ये जो कैप्चा कोड है बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और उसके बाद सेंड ओटीपी, इस वाले ऑप्शन पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो फटाफट से मैं आपको आधार नंबर डाल के और ये सेंड ओटीपी करके दिखा देता हूँ। तो इस वाले बॉक्स में यहाँ पर जो है हमें आधार नंबर फिल कर देना है, और उसके बाद ये जो सामने आप कैप्चा कोड देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज इसके अंदर यहाँ पर फिल कर देना है, और यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे आधार कार्ड से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है, जो है ओटीपी सेंड हो चुका है। 6-digit 1-time password इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो आपको सिंपली करना है कि आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी देख लेना है और यहाँ पर फटाफट से डाल के लॉग इन कर लेना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको फिर से अपडेट डेमोग्राफिक डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक और नया पेज ओपन हो जाएगा, नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपके सामने 7 ऑप्शन आ गए हैं चेंज करने का। तो आपको जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि डेट ऑफ बर्थ करेक्शन जो है 1 time left ऑनलाइन, जो आप सिर्फ सिंगल टाइम एक ही बार कर सकते हैं सक्सेस, यानी कि अगर एक बार करेक्शन हो चुका है ऑनलाइन दोबारा करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन नहीं होगा, फिर तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो आपको इस पर क्लिक करके प्रोसीड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो ये सिंगल चांस रहता है, एक ही बार हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी, इस पर टिक करके आपको प्रोसीड पे कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे यहाँ पर हमारा जो पुराना डाटा है, जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ होगा आधार कार्ड के अंदर, वो यहाँ पर शो हो जाएगा पहले जो था। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज आप देख नेक्स्ट नीचे के साइज देखेंगे एंटर द डिटेल्स, तो यहाँ पर जो है नया डेट ऑफ बर्थ जो हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से हम अपने आधार कार्ड के अंदर जो ये डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा, इसकी हेल्प से आप ईयर मंथ डेट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट सवाल पे आ जाएंगे। यहाँ है आपको अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट, आपको कोई भी करेक्शन करवाने के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट का ऑप्शन है, तो आप इस वाले लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्कूल का सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, पैन कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर ऑन लेटर हेड, यानी कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक ग्रेड ए के गैजेटेड ऑफिसर के लेटर हेड पे भी डेट ऑफ बर्थ लिखवा सकते हैं जो आपको करेक्शन करवाना है। उसका सिंपली आपको अपलोड करने के लिए आप अगर मोबाइल फ़ोन से करेंगे तो डायरेक्ट
जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हो उसे स्कैन कर लेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन से कैमरे के द्वारा खींच लेंगे, नहीं तो अगर आप कंप्यूटर से करें तो उसको स्कैन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर पैन कार्ड यूज़ किया है तो यहाँ पर पैन कार्ड फटाफट से स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद इसे जो है डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे। तो मैंने इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लिया और यहाँ पर जो है 2 MB तक की फाइल जो है एक्सेप्टेबल है। 2 MB तक फाइल को हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो JPG फॉर्मेट में हो चाहे वो PDF फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पर मैं आपको जो फाइल साइज़ है वो भी दिखा दे रहा हूँ। फाइल साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो है 160 KB का, यानी कि 2 MB से बहुत कम है। 2 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, बस 2 MB तक एक्सेप्टेबल है फाइल। तो आपको फिर से इसी पेज पे आ जाना है और अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो फाइल हमने सेव करी है डेस्कटॉप पे वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं प्रीव्यू आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बिफोर सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट वेरीफाई द डिटेल्स, जो भी आपने डिटेल भरी है वो वेरीफाई कर लें, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा होगा वो शो होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक और कैप्चा कोड फिल करने का ऑप्शन है, तो इसके सामने ही कैप्चा कोड है उसको बिल्कुल सेम टू सेम देख के इसमें फिल कर देना है। फिल करने का फिर से सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक, सेंड OTP आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जो आपका रजिस्टर नंबर है उस पर OTP आ जाएगा। यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन है, OTP वाले ऑप्शन के अंदर आपको दोबारा से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में उसमें OTP रिसीव हो चुका है उस पर क्लिक कर देना है। तो OTP इसके अंदर फिल कर देना है। जैसे आप OTP फिल कर देंगे उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर इस चेकबॉक्स पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको जो ऑनलाइन एक फ़ीस पेमेंट करनी होती है वो 50 रुपीज़ की गवर्नमेंट फ़ीस है, वो आपको पे करना होगा ऑनलाइन ही। तो आप मेक पेमेंट पे टिक बॉक्स पे क्लिक करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है रीडायरेक्ट हो जाते हैं पेमेंट वाले पेज पर। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया है और कार्ड डिटेल जो है वो फिल करने के बाद प्रोसीड पे कर देना है आपको। प्रोसीड पे करने का आपका जो बैंक अकाउंट से जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए OTP जाता है, तो सिंपली आपको उस नंबर पे जो OTP रिसीव हुआ वो यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपकी जो है पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी। पेमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका जो है एक PDF जनरेट हो जाएगा। मेरे सामने एक ये एरर आया कि जो मेरा PDF है वो जनरेट नहीं हुआ, लेकिन जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर URN नंबर का मैसेज आ गया है, पेमेंट सक्सेसफुल का भी मैसेज आ गया है। तो अगर PDF आपका जनरेट हो चुका है तो आप जो है उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंटआउट एक ले सकते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि आप आगे स्टेटस चेक कर सकें। इसी के साथ मैं आपको एक और ऑप्शन भी बता दे रहा हूँ कि जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ, क्या स्टेटस है उसका। तो सिंपली हमें दोबारा से यहाँ पर आप देखेंगे माई आधार वाले ऑप्शन है सबसे कोने पर, तो हम इसी वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे फिर दोबारा से हम उसी पेज पर आके अपडेट वाले ऑप्शन पे, अपडेट योर आधार वाले पे चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट स्टेटस। तो यहाँ पर इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से हमारे पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है आधार नंबर फिल करने का। तो हमें यहाँ से फिर से जो है आपका आधार नंबर जो भी अपडेट करा है आपने वो फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं URN और SRN नंबर डालने का ऑप्शन है। तो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो है URN नंबर आ जाता है SMS के थ्रू, अगर रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई है तो भी, अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं URN नंबर को आपको फिल कर देना है और उसके बाद फिर सिंपल सा एक कैप्चा कोड जो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो बिल्कुल URN नंबर फिल करने के बाद फिर से एक और कैप्चा कोड फिल कर देना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे हमारा जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर दोबारा से एक OTP आएगा और उस OTP को इस वाले बॉक्स के अंदर फिल कर देना है और फिर चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने OTP फिल कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे चेक स्टेटस का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप जो है अपने एप्लीकेशन जो आपने अपडेट करा है उसका रिक्वेस्ट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो चेक स्टेटस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो दिखा रहा था अपडेट रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस, यू विल गेट अ SMS नोटिफिकेशन ऑन डिस्पोज अपडेट रिक्वेस्ट, यानी कि जब भी जो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी जो भी होगा हमारे पास SMS के द्वारा जो है उसका अलर्ट आ जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू आप ऑनलाइन जो है अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमने ऑनलाइन जो है आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर लिया।
तो जब भी हमारी ये जो एप्लीकेशन ने ऑनलाइन अप्लाई किया है एक्सेप्ट हो जाती है, तो हमारे मोबाइल फोन पे 2 से 3 दिन के बाद एक एसएमएस आ जाता है कि योर रिक्वेस्ट हैज बिन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, योर आधार हैज बिन अपडेटेड। और इस तरीके का मैसेज आने के बाद हम अपना नया वाला आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपके पास सबसे पहले आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।